हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक एक, बहुविकलात्मक प्रश्न कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, वर्षाई की संधि कब की गई? तो वर्षाई की संधि हुई थी 28 जून 1919। दूसरा प्रश्न, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका उत्तर आ जाएगा मार्क, ऑप्शन अ। भारत की याम्योत्तर रेखा है 82° 30' तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर होगा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15.200 किलोमीटर। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 इसका उत्तर होगा, तो पांचवे में हो जाएगा ऑप्शन स। उसके बाद छठवें प्रश्न पर पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर, मासिनराम, गुवाहाटी, चेरापूंजी। तो मासिनराम पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, काका कालेकर, बीपी मंडल। तो इसका उत्तर है बीपी मंडल। रबी की फसल है गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गेहूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल। प्रश्न क्रमांक दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जम्मू और कश्मीर की डैश झील भूगर्भी क्रियाओं से बनी है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका वुलर। हिटलर ने सितंबर डैश में पोलैंड पर हमला किया 1933-1939, क्या है उसका उत्तर? 1939। बिना घुटने वाले लोगों द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी डैश की प्रतीक थी आजादी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का आरंभ डैश में हुआ? तो इसका उत्तर है 1999। पालमपुर में डैश का उत्पादन प्रमुख क्रिया है तो खेती या उद्योग? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका खेती। तीन सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? आपका राष्ट्रपति। उसके बाद सही और गलत आपको पहचान करना है। देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य है, सत्य आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या है? सत्य होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत विश्व का आठवां सबसे बड़ा देश है, असत्य आ जाएगा। उसके बाद वर्ष 2009-10 में निर्धनता अनुपात 30% था, सत्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, 9 नहीं, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं पर्यटन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, तो यह असत्य होगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न आपको बताना है, G8 के सदस्य देश कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन। चुनाव में उम्मीदवार बनने की लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? सातवां जाएगा। गंगा की दो सहायक नदी यमुना, सरयू और गंडक। मावठ किसे कहते हैं? शीतकालीन चक्रवातों से होने वाली वर्षा वर्षा को कहा जाता है, ये बता देंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि आ जाएगा। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न, निर्धनता सूचक कौन कौन से है लिखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की दो विशेषताएं लिखिए। मौसमी बेरोजगार क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता व निष्पक्ष चुनाव की
दो विशेषताएं लिखिए, एल नीनो क्या है? तो यहां पर इसका उत्तर दिया गया है, प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर व पेरू देश के तटीय समुद्री जल के कुछ अंतराल में धारित होता है। तो इसको देख के आप याद कर सकते हैं। नास्तिवाद के लोकप्रिय होने में हिटलर का प्रभाव लिखिए, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? कि दो समस्याओं को यहाँ पर लिखना है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, फ्रांस की क्रांति के दो कारण लिखिए। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न बताना है, भारत में निर्बंधनता के कारणों का उल्लेख करें, बेरोजगारी क्या है भारत में, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, भारत में चुनाव आयोग की शक्तियों को समझाइए, या फिर चुनाव को लोकतांत्रिक मनाने का आधार क्या है लिखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों को समझाइए, मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों के वर्गीकरण को बताइए, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा व उनकी विशेषताओं को बताइए, या फिर जर्मनी में आर्थिक संकट के क्या कारण थे, भारत के नक्शे पर इसको अंकित करना है, अरब सागर, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, लद्दाख और केरल, ये 5 अंक के प्रश्न है। इसके कोई भी आपको मानचित्र पर नक्शे पर अंकित करने को दिया जा सकता है। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू।